अब बात करेंगे सीएम की। दिल्ली दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देश प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा यहां पर हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए। जयपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले। करीब 40 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है अहम मुद्दों पर। और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात वो करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। करीब 40 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सीधा जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं सीएम। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बड़ी बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा के साथ बैठक की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईआरसीपी पर काम आगे बढ़ाने की बात कही। दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को लेकर राजी हुए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी पर काम नहीं किया, लेकिन हम इस मुद्दे पर अंजाम तक पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव की माने तो इससे दोनों राज्यों की आबादी को फायदा मिलेगा। बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी, बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे, 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना पक्का है। साथ ही ये भी कहा कि जो वो दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह पार्टी को मजबूत करने के लिए संभागवार बैठक करेंगे। अलग अलग जिलों से ये लोग स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 3 फरवरी को भोपाल में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक के बाद तीनों अलग अलग जिलों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाएगा, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। 4 फरवरी को ग्वालियर के साथ ही गुना, भिंड, मुरैना में लोकसभा पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 5 फरवरी को उज्जैन संभाग जबकि 6 फरवरी को भोपाल संभाग की बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस लोगों की समस्याओं के लिए समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही जनता दरबार शुरू करने जा रही है। उधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 6 फरवरी को विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में सरकार को घेरने और आंदोलन की
रणनीतियों पर मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी जल्द जनता दरबार भी शुरू करेगी और इसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पर सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वह आज भी आपको बता दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करती है, साथ ही कांग्रेस पर किसानों के लिए समस्या खड़ी करने के आरोप भी लगाए। गलेबान में झांक करके देखे, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, भले ही देरी से हमारा काम होता है लेकिन होता है। और नतीजा यह है कि आज हम फुल मैंडेट के साथ में सरकार में बैठे हैं और आप सरकार से बाहर विपक्ष में बैठे हैं, तो अपने अंदर झांक करके देखिए, ये आरोप लगाने का काम न करें और खुद के संगठन को मजबूत कीजिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता के बीच जाने की कोशिश में है और जनता दरबार का मकसद भी यही है, हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। जयपुर विस्फोटक मामले में जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार फिरोज खान पर जांच एजेंसी ने 5 लाख का इनाम घोषित किया। जयपुर विस्फोटक के तार एमपी के रतलाम से जुड़ने के बाद से एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। फरार चल रहे फिरोज खान को लेकर जांच एजेंसी ने पोस्टर चिपकाए हैं, साथ ही 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। फिरोज रतलाम के आनंद कॉलोनी का रहने वाला है। मास्टरमाइंड इरफान के साथ 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले बदमाशों में से फरार एक आतंकी फिरोज खान का जो पोस्टर है वो एनआईए ने अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर चस्पा किया है। ये वो पोस्टर है जो कि धान मंडी क्षेत्र में लगाया गया है। छापा मार कार्रवाई कर रही है, 5 लाख का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया है। और अब जो है एनआईए ने चस्पा करके यहाँ पोस्टर, लोगों से अपील की है कि जो भी इसका पता बताएगा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, साथ ही साथ उसे 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। 28 मार्च 2022 को राजस्थान के निम्बाहेडा के पास चेकिंग के दौरान विस्फोटक पकड़े गए थे। इस दौरान 2 आतंकी भी पकड़े गए थे, ये दोनों रतलाम के ही रहने वाले थे। इनकी निशानदेही पर दूसरे लोग पकड़े गए जबकि फिरोज अभी भी फरार है।